दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो आपका रिजल्ट यदि नहीं भी आया है तो इसके बावजूद भी आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात हम ये बता देंगे कि आवेदन के लिए अंतिम तारीख भी आप लोगों की बढ़ा दी गई है, ठीक है। 25 तारीख तक आप लोग की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है स्कॉलरशिप की डेट, और उसके पश्चात आप लोग जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लेंगे तो एक प्रिंटआउट आप लोग को कॉलेज पर अपने जमा कर देना है। उसके पश्चात आप लोग का यह प्रोसेस होगा कि कॉलेज के द्वारा वेरीफाई बाई कॉलेज का ऑप्शन आएगा, और कॉलेज वाले लोग यदि वेरीफाई कर देते हैं तो उसके पश्चात समाज कल्याण विभाग के पास जब भी आपके स्कॉलरशिप का स्टेटस पहुंचता है तो वहाँ से स्कॉलरशिप के लिए स्टेटस जारी कर दिया जाएगा। स्टेटस में आप लोग को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों का कहीं से फॉर्म आपका वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, बैंक से आपका फॉर्म वेरीफाई है कि नहीं, किसी प्रकार की त्रुटि है कि नहीं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए संशोधन की तारीख भी नवंबर में अगले महीने आएगी। तो नवंबर में संशोधन की तारीख भी आएगी सभी चीज़ों को आप लोगों का। देखिए जैसा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जिन छात्रों का अभी तक वार्षिक परीक्षा फल या दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है वह अभी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्र परीक्षा फल का इंतजार ना करें, आवेदन में रिजल्ट नॉट डिक्लेयर का ऑप्शन चुनते ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन सबमिट करने की तिथि यहां पर 21 अक्टूबर लिखी गई है जो कि बढ़ा करके 25 अक्टूबर तक कर दी गई है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां मैं बता दूं कि उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि मुझे लगता है कि 25 तारीख के बाद भी आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं संशोधन की तारीख यहां पर घोषित कर दी गई है कि 11 से लेकर 16 नवंबर तक। यदि आपके छात्र में किसी प्रकार का डाटा में संदेहास्पद डाटा को सुधारने के लिए मात्र 6 दिन का समय आप लोग को मिलने वाला है, और इस 6 दिन के अंदर आप लोग को अपने स्कॉलरशिप के डाटा में कोई भी गड़बड़ी हुई है, चाहे आप लोग का रिजल्ट का नंबर अच्छे से नहीं चढ़ा है, या फिर आपका नाम या पिताजी का नाम या बैंक से कोई प्रॉब्लम है, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है, इस तरीके के काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स के सामने, तो ऐसे स्टूडेंट 6 दिन में अपना डाटा जो है सुधार सकते हैं, और डाटा सुधारने के पश्चात समाज कल्याण अधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अगले ही मतलब उसके बाद से आप लोग का स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग अपनी यदि आपके स्कॉलरशिप में कोई त्रुटि है और आप अपने डाटा को सही नहीं करवाते हैं तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का फिर से रिजल्ट आप लोग का जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपकी नहीं आएगी, ठीक है। वो स्कॉलरशिप में आप लोग की एरर बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को इन बातों की जानकारी लेना है। तो इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं आवेदन की अंतिम तिथि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि को आपको देखना नहीं है, आपको जल्द से जल्द आपको रजिस्ट्रेशन और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिंक जो है ओपन नहीं हो रहा है, दिन में मैंने भी कई बार ट्राई किया तो लिंक ओपन नहीं हो रहा था। तो लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि आपको नाइट का समय लेना है, 5 बजे शाम 5 बजे के बाद आप कोशिश करिएगा, तो लिंक थोड़ा सा तेजी से चल रही है तो उस समय आप लोग चाहेंगे तो अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।